बेटमा सहित देश भर में शरद पूर्णिमा पर्व रविवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं में युक्त होता है और आज इसी किरणों से अमृत का वास होता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर को ग्रहण करने से व्यक्ति धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति करता है। बेटमा के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में शरद पूर्णिमा के पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलता रहा। मालवा, निमाड़ सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र ग्रंथ के समक्ष मत्था टेका और अरदास की। धर्मगुरुओं के प्रकाश से आलोकित बेटमा नगर धन्य हुआ, जहाँ गुरुओं के चरण कमल इस धरती पर पड़े। पुरातन ग्रंथ तवारीख गुरु खालसा के अनुसार गुरु नानक देव जी यहाँ 6 महीने तक रुके थे। उन्होंने यहाँ बावड़ी का खारा पानी मीठा किया था और उसे पीने योग्य बनाया था, जिसका उपयोग आज भी नगरवासी कर रहे हैं। इस गुरुद्वारे को बावड़ी साहब गुरुद्वारे के रूप में भी जाना जाता है। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। अज पूरनवासी है, विशेष तौर पे दीवान गुरुद्वारा बेटमा साहिब में सजाते हैं, जो कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के यहाँ पर आके अपने अपने मन्नत लेके आते हैं, नमस्कार करते हैं और अपनी शुभ इच्छा महाराज से प्राप्त करके जाते हैं। और लंगर भी यहाँ 24 घंटे चलता है, लंगर प्रसाद छके जाते हैं। शरद पूर्णिमा पे क्या विशेषता रही आज भक्तों की? विशेषता ही रही, सुबह से लेके अब तक तो काफ़ी पब्लिक और संगत इकट्ठी हुई है और अभी भी रात के 9 बजे तक संगत लगातार आती रही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।